हेलो लर्नर्स, देखो कई बार ही ऐसा होता है कि एज अ टीचर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है, अपना 100% दे रहे हो, बट स्टिल कुछ बच्चे उसको कैच नहीं कर पा रहे होते हैं और आपको लगता है कि या तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है या आपके स्किल में कोई प्रॉब्लम है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा है कि बच्चे कोई ना कोई डिसऑर्डर से पीड़ित हैं जिसकी वजह से वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बताई हुई बातों को कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग लर्निंग से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जितनी भी विकार हैं या कठिनाइयां हैं, उसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। और ये आपके बीएड हो गया, केवीएस हो गया, सीटेट, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। देखो ये चीज़ तो हम सब जानते हैं कि किसी भी वर्ड के आगे, इंग्लिश में किसी भी वर्ड के आगे अगर डिस लगा देते हैं तो वो उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे एग्री, एग्री मतलब सहमति, आगे में अगर डिस लगा दिए यानी डिसएग्री तो वो हो जाता है असहमति। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोग कुछ विकार को देखते हैं। देखो सबसे पहला आपका डिसऑर्डर जो है वो डिसग्राफिया, एग्जाम में ये सब बहुत पूछा जाता है। तो डिसग्राफिया क्या होती है, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया ग्राफिया, ग्राफ जिस पे हम लोग लिखते हैं, यानी बच्चा जब आराम से लिख पा रहा है तब वो ग्राफिया हुआ, लेकिन उसके आगे लग गया डिस, तो ये क्या हो गया, लिखने का अपोजिट हो गया। जब बच्चा नहीं लिख पा रहा है यानी बच्चे को लिखने में कठिनाई हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तो जब लिखने से संबंधी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तब हम उसको कहेंगे डिसग्राफिया। क्लियर है कि ग्राफ लिखना, डिसग्राफ नहीं लिखना। तो डिसग्राफिया का मतलब लेखन संबंधी समस्या, लिखने में डिफिकल्टी आना। नेक्स्ट वर्ड देखो डिसलेक्सिया, देखो यहाँ पे वर्ड आया लेक्सिया, लेक्सिस जो होता है, लेक्सिया होता, उसका मतलब होता है शब्द, पढ़ना, वो पढ़ाई से संबंधित है। तो जहाँ तक बच्चे पढ़ पा रहे हैं ठीक है, जैसे ही आगे में आ गया डिस, यानी कि अब बच्चों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो डिसलेक्सिया मतलब जब बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है उसको डिसलेक्सिया कहा। जैसे बच्चे क्या होते हैं, वॉस को सा पढ़ते, यहाँ पे क्या हुआ, सेम पैटर्न को देखकर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आता है। जैसे वॉस, वॉस को सौ पढ़ लेना, बी को डी पढ़ लेना, सिक्स को नाइन पढ़ लेना, या न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेना, है ना, शब्द देखने में मतलब सुनने में एक जैसे शब्द लग रहे हैं। तो इस तरह से जब बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तब कहेंगे कि बच्चे जो है वो डिसलेक्सिया से पीड़ित हैं, जो कि आपके तारे जमीन पे जो मूवी थी उसमें भी दिखाया गया है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट आपका जो डिसऑर्डर है वो डिसकैलकुलिया। देखो कैलकुलिया, कैलकुलिया किस मतलब इससे बना है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किस में होता है, मैथ में होता है, यानी एक बच्चे क्या होता है कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आगे में लग गया डिस, मतलब बच्चे जो है अब वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के बच्चों को या इस तरह के विकार को कहेंगे डिसकैलकुलिया। जहाँ पे बच्चे गणना संबंधी यानी कैलकुलेशन संबंधी उनमें प्रॉब्लम्स आती है तब बच्चे में डिसकैलकुलिया है, याद रहेगा। और डिसकैलकुलिया का दूसरा नाम जो होता है न्यूमलेक्सिया होता है। देखो ये जो न्यूम है ये भी तो नंबर से ही मिलता जुलता है, NUM नंबर से मिलजुल रहा है, तो यानी कि बच्चों में जहाँ नंबर है या कैलकुलेशन मैथ से रिलेटेड या काउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहा है वो कहलाएगी डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्रेक्सिया। देखो जब आप डिस्प्रेक्सिया वर्ड बोलते हो तो यहाँ पे एक वर्ड निकल कर आता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब जब आप किसी चीज़ को सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हो उस चीज़ को, लेकिन जो बच्चे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको किसी चीज़ को बताने में कठिनाई होती है, डिफ़िकल्टी होती है, इट मीन्स बच्चे जो हैं वो डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित हैं। और उस तरह के बच्चों का गतिक कौशल नहीं हो पाता है। गतिक कौशल मतलब क्या हुआ कि वो उनका जो मसल्स है उनका कंट्रोल सही से नहीं हो पाता, वो उसका संचालन सही से नहीं कर पाते हैं। अब मसल्स ही सही से काम नहीं कर रहा है तो लिखने में, चलने में, टहलने आदि में प्रॉब्लम आएगा ना, तो ये चीज़ें होती हैं डिस्प्रेक्सिया। जैसे आप देखो एक तरह से और जान लो कि इसमें तीनों कठिनाई होती है, मतलब कि डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया, तीनों अगर है तो उसको कहेंगे कि डिस्प्रेक्सिया। जैसे देखो 31 को 13 या न्यूक्लियर को अनक्लियर, अगर बच्चा पढ़ता है ऐसा तब उसको कहेंगे डिसलेक्सिया है, लिखता है तब कहेंगे डिसग्राफिया है, बात समझ में आई। और इसका दूसरा नाम होता है सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। सेंसरी, सेंसरी क्या, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, यानी हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन ही तो है वो जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अब सपोज करो कि किसी बच्चे के ब्रेन में कोई डिफिकल्टी है, वहाँ पे कोई विकार है, तो उसके यानी कि मसल से या उसके बॉडी के सारे पार्ट्स में कहीं ना कहीं वो अटैच है, उसमें डिफिकल्टी आएगी, देखने को मिलेगी, तो बच्चे का क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे आपको लिखने, चलने, टहलने आदि में प्रॉब्लम होती है। तो
इस तरह से अगर बच्चे पीड़ित हैं तो उसको कहेंगे डिस्प्रेक्सिया। याद रखना, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आता है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो समझ में आया, लिखने में प्रॉब्लम डिसग्राफिया, पढ़ने में प्रॉब्लम डिसलेक्सिया, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम डिसकैलकुलिया, ठीक है, और अगर एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम तो डिस्प्रेक्सिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट विकार की ओर। देखो नेक्स्ट है आपका डिसथीमिया, जहां पर गंभीर तनाव की अवस्था होती है, जैसे कि एग्जाम। इसमें क्या होता है, देखो किसी भी चीज का टेंशन लेना या स्ट्रेस लेना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बोला जाता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब हम जरूरत से ज्यादा टेंशन ले लें तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उस फेज को, उस स्टेट को बोलते हैं डिस्थीमिया, बच्चे डिस्थीमिया से पीड़ित होते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट विकार है डिसमॉर्फिया। यहाँ पे मॉर्फिया है, इसमें क्या होता है, बच्चे दूसरे बच्चों से खुद को तुलना यानी कि कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हारी लिखावट ज़्यादा अच्छी है, तुम पढ़ने में ज़्यादा अच्छी हो, इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। और अगर उनके मन का नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्ड याद करने का ट्रिक है मोर, MORE से याद रखना कि ज़्यादा, मोर को बोलते हैं ज़्यादा, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद को दूसरे से कंपेयर करने आंक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहलाएगा कि बच्चे में डिसमॉर्फिया है। अगला विकार देखते हैं अफेजिया। अफेजिया क्या है, भाषा संप्रेषण में कठिनाई होती है, मतलब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। देखो कोई कोई बच्चे होते हैं ना, बोलने में हिचकिचाते हैं या हकलाते हैं, स्टैमर करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, उनका कहीं ना कहीं अधिगम या जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो बहुत पीछे चला जाता है, वो दूसरे बच्चों के कंपेरिजन में पीछे हो जाते हैं। तो उस फेज को कहेंगे कि बच्चे में भी अफेजिया से पीड़ित हों। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है डिसफेजिया, ये भी सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में अगर क्षति की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिसऑर्डर आ रहा है, मतलब ब्रेन में कोई ऐसी चोट लग गई है या कुछ क्षति हो गई है, चोट लग गई है, तो उससे अगर आप बच्चे ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं तब कहेंगे कि डिसफेजिया से पीड़ित हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिमेंशिया। इसमें क्या है कि बच्चे तर्क नहीं कर पाते, किसी बात को रीजनिंग नहीं, रीजन या लॉजिक नहीं दे पाते हैं, बच्चे की स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है। स्मरण शक्ति मतलब मेमोरी पावर उनकी कमज़ोर, वीक होती है। जैसे आप उनको कोई डेफिनेशन याद करने बोलो तो वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर बच्चों में दिख रही है तब मे भी उनमें डिमेंशिया हो। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, आगे कुछ देखते हैं। नेक्स्ट विकार है आपका प्रोजेरिया। देखो किसी किसी बच्चे में, बहुत ही छोटे छोटे बच्चों में वृद्धावस्था के लक्षण देखने को मिलते हैं, तब उस तरह के बच्चे को देखकर हम कहेंगे कि उनमें प्रोजेरिया है। नेक्स्ट देखो बुलीमिया। बुलीमिया एक विकार है, इसमें क्या होता है, बच्चे के खाने पे कंट्रोल नहीं होता, ये भोजन से रिलेटेड होते हैं। इसको याद करने का ट्रिक कैसे, देखो अब बच्चे बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो क्या होंगे, मोटे होंगे। जब मोटे होंगे तो स्कूल में उनकी बुलिंग होगी, सब चिढ़ाते हैं ना, तो उससे याद रखना, जो कि बहुत गलत बात है, कभी बुली नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से याद रखना, उसी से बुलीमिया याद रखना कि खाने पे बच्चे का कंट्रोल नहीं हो पाता और बच्चे ओवर ईटिंग कर जाते हैं, तो ये आपका बुलीमिया हो गया। अब देखो ये सब जितने भी विकार थे वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और डिस्थीमिया, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी मेरे दिमाग में दो पॉइंट आया तो उसको भी बता देती हूँ। देखो एक होता है माइओपिया, हम सब जानते हैं फिजिक्स का टर्म है, निकट दृष्टि दोष, मतलब कि देखो कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे क्लास में पीछे बैठे होते हैं और उन्हें ब्लैक बोर्ड पे आप क्या पढ़ा रहे हो वो नहीं दिखता है, वो बार बार आगे की ओर आते हैं देखने के लिए, या फिर अपने बगल में जो बच्चे बैठते हैं उनकी कॉपी करते हैं, अपने फ्रेंड्स की कॉपी करते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि बच्चे को क्या हो, माइओपिया हो, मतलब दूर की चीज़ देखने में कठिनाई होती है। तो ऐसे बच्चों अगर आपके क्लास में मिले तो तुरंत आप उनके पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट विकार है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, पास की चीज़ देखने में कठिनाई होती है। बच्चे को आपने रीडिंग के लिए बोला, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो मे भी वो हाइपरमेट्रोपिया के शिकार हैं। तो ये था कुछ अधिगम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो कि एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। अब या तो डायरेक्ट पूछ दे या तो कुछ बिहेवियर या कुछ ऐसा आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दे, जैसे पूछ दे कि क्लास में एक लड़की है वो बी को डी पढ़ रही है या 13 को 31 पढ़ रही है, तो बच्ची में कौन से विकार हैं, तो हम तुरंत बोलेंगे कि अगर पढ़ रही है इट मीन्स उनमें डिसलेक्सिया है, अगर लिख रही है तो उसमें डिसग्राफिया है, और अगर दोनों है तो डिसप्रेक्सिया है।
ठीक है। तो ये था डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में केवीएस का सिलेबस अपलोड कर दूंगी। जो बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि एग्जैक्ट केवीएस में पढ़ना क्या है, तो सब कुछ आपको उसमें डिटेल में बता दूंगी। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, मेरे चैनल पर सब कुछ आपको हैंड रिटन ही मिलेगा, चाहे वो नोट्स हो, मैथ हो, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब कुछ आपको हैंड रिटन मिलेगा। क्योंकि पर्सनली मुझे लिखना काफ़ी पसंद है और सबसे बढ़ के लिखने से चीज़ें बहुत टाइम तक याद रहती हैं, है ना। तो इसलिए लिख कर ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।